जो भारत सरकार के अंतर्गत पूरे देश के सभी राज्यों में स्थित है। ये तकरीबन पूरे देश में 665 के आसपास में ये विद्यालय है। इसमें एडमिशन क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 8 में एडमिशन होता है। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला हुआ है क्लास 6 में एडमिशन को लेकर के निकला हुआ है, जिसका सेशन होगा 2023 से 2024, यानी 2023 आ चुका है। अभी जो बच्चा जाएगा क्लास 6 में, यानी जो अभी पढ़ रहा होगा क्लास 5 में, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस बेसिस पे एग्ज़ाम होकर के उसका सिलेक्शन होता है। तो चलिए आज जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के एडमिशन को लेकर के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं, कैसे एडमिशन होता है और किस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं। ये एक देख सकते हैं को एजुकेशनल रेजिडेंशियल सेटअप है, जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों रहते हैं और जिनका अलग अलग सेपरेट हॉस्टल्स होता है। और यहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जाता है, यहाँ पे रहना खाना बिल्कुल फ्री होता है। ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल होता है। यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, NCC, स्काउट गाइड, NSS और डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स एंड गेम में भी उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हायर एजुकेशन को लेकर के आज के बहुत ही फेमस हो गया है GMAIN, GEE Advanced, NEET, इस तरह के जो हायर एग्जामिनेशन है, जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ के बच्चे अपना प्रतिभा अक्सर दिखाते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा विद्यालय होता है। अगर आपका बच्चा क्लास 6 में या क्लास 5 में पढ़ रहा हो, जनरली क्लास 5 में पढ़ रहा हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और क्लास 6 के लिए एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट जरूर दिखाएं दिलाएं। आइए चलिए शुरू करते हैं किस तरह से एंट्रेंस होगा। तो अगर आपके आसपास में कहीं पे साइबर कैफ़े है या आसपास में ई मित्र है, वहाँ से भरवा सकते हैं। अगर आपको भरने में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका फॉर्म हम भर देंगे। सबसे पहले अगर आप खुद भी भर सकते हैं, अगर आप थोड़ा आपके पास कंप्यूटर है या फ़ोन है तो, लेकिन कंप्यूटर हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो चलिए अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो सबसे पहले आपको NVS सर्च करना है। आप लिख सकते हैं NVS, इंटर इंटर करते ही आपको दिखाई देगा नवोदय विद्यालय समिति और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास दिखाई दे रहा होगा हेल्प डेस्क फॉर क्लास 6 NVST 2023 एंड क्लास 9 लेटेस्ट है ना लिस्ट 2000। अब इनको छोड़िए, आपके पास यहाँ देखिए आपको रेड कलर में 3 दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6, क्लास 6 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आपको जानना है तो पहले पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस अगर आपको पढ़ना है क्या चीज़ है, कैसे कैसे होता है, तो आप सेकंड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, और जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये बहुत ही अच्छा विद्यालय है जहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। तो आप इसमें अपने जो क्लास 5th में बच्चा पढ़ रहा है तो उसका जरूर एंट्रेंस दिलाएं। तो ये बहुत ही अच्छा स्कूल है। आप इसके लेकर के रिगार्डिंग मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, ढेर सारे वीडियो हैं यहाँ पे कैसे बच्चे पढ़ते हैं। और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जो थर्ड वाली रेड लाइन है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फॉर क्लास 6, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पास आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास लिखा होगा कि क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते ही देखिए आपके पास एक पेज खुल कर आ चुका है। इस पर आपको लिखना है सबसे पहले कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीज क्लास 5th मैंने प्रायर टू द सेशन 22-23 में, बोलता है कि 22-23 में क्लास 5वीं पास कर चुका है। तो आप लिखेंगे नहीं, अभी 5वीं में पढ़ रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि कैंडिडेट ने पहले कभी एग्जाम में बैठा है JNVST के, तो बोलेंगे नहीं नहीं बैठा है। हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस, बोल रहे हैं आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, तो आपने पहले पढ़ ही चुका होगा डाउनलोड करके। आप लिख देंगे नो, नहीं, आप लिखेंगे येस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस हमने पढ़ लिखा है। फिर पूछता है कि इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेड मास्टर, और इसका है कि वेदर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडिंग द सेम, तो बोलेंगे यस। बोलता है कि बच्चा जिस जिले की है उस जिला के किसी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो कहेंगे हाँ। कहता है कि बच्चा देखिए, बोलता है कि ये हेड मास्टर का साइन हो चुका है। एक सर्टिफिकेट होता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद आपको सर्टिफिकेट दिखाने वाला हूँ कैसा सर्टिफिकेट होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे यस, आपके पास सर्टिफिकेट हेड मास्टर से साइन हो चुका है। तो इसके बाद लिखता है कि कैंडिडेट विद हेल्प ने प्रोमोटर, यानी 4थी से 5वीं क्लास में चला गया है, तो बोलेंगे हाँ वो बच्चा 5वीं क्लास में चला गया है। फिर बोलते हैं कि डू यू हैव आधार नंबर, देखो जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसका आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन याद रखेंगे अगर उस बच्चे का आधार नंबर आपने यहाँ पर लिखा, आपने लिखा जैसे यस यस लिखते ही आपसे मांगेगा आधार नंबर। आधार नंबर जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे, आपको सबसे पहले जिस नंबर वो आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP आपको आगे सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कहा नहीं, जैसे आपने कहा नहीं, तो फिर कहता है कि एक सर्टिफिकेट दीजिए कि जिसमें ये पता चल सके कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसके ही डिस्ट्रिक्ट के उसके पेरेंट्स का रेजिडेंशियल हो। कहा है एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी उसका स्थानीय आपको सर्टिफिकेट देना होगा जिससे ये पता चल सके कि माँ बाप वहीं उसी जिले के रहने वाले जिसमें बच्चा पढ़ रहा हो, ये देना होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे
और अपलोड कर देंगे एक सर्टिफिकेट। जैसे मान लेते हैं कि हम एक अभी सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, यहाँ पास देख सकते हैं हमने एक सर्टिफिकेट अपलोड किया, कर दिया, हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबमिट। तो ऐसे आप सबमिट कर सकते हैं, या जैसे कि आपने क्या करना है, आधार नंबर देना है, तो आपने आपको क्या करना है, यस, यहाँ पे क्या करना है, यस, यस करते ही आपके पास आ जाएगा आधार नंबर। तो आधार नंबर का ऑप्शन देना है, तो आपको आधार नंबर देना होगा, तो यहाँ पे लिखना है आपका आधार नंबर। देखिए मैंने यहाँ आधार नंबर डाल दिया, आधार नंबर डालते ही आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे डालते ही आपको सबमिट पे क्लिक करना है, जैसे ही देखिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद कहता है कि हैव यू रिसीव ओटीपी, आपको ओटीपी यहाँ पे देना है, फिर लिखेंगे प्लीज इंटर योर ओटीपी, तो यहाँ पे अब ओटीपी आएगा, अभी हम ओटीपी देंगे। तो देखिए ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पे ओटीपी इंटर करेंगे। मैंने ओटीपी यहाँ पे सबमिट कर दिया है और यहाँ पे प्रोसीड कर दिया है। सबमिट करते ही आपको इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सेलेक्ट, है ना, का चयन करें जिसमें व्यक्ति का प्रोजेक्ट पड़ रहा हो, उसका उस राज्य का बताना है, यानी आपको स्टेट बताना है। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया राजस्थान, इंटर कर दिया, आपको राजस्थान आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बताना है कहाँ से, मान लेते हैं मैंने लिख दिया डूंगरपुर, इसके बाद आ गया डूंगरपुर। इसके बाद बताना है आपको कि सिलेक्ट द ब्लॉक, ब्लॉक किसमें पड़ती, किसमें, मैंने हमने सागवाड़ा लिख दिया, तो सागवाड़ा आ जाएगा। इस तरह से विद्यालय का नाम लिखते हैं, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदोड़, मैंने लिख दिया इस तरह से। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, तो आप डाल सकते हैं मोबाइल नंबर। और इसके बाद बच्चे का जन्म तिथि आपको डालना है, तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट। देखिए आप, हमने डाल दिया 7 फरवरी 2003। यहाँ पे उम्मीदवार का नाम लिखना है, जो आपका बच्चा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी दे दीजिए। माता का नाम यहाँ पे लिखना है, आप माता का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको अगर कोई गार्जियन है तो लिख सकते हैं इस तरह से। और फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है क्या उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कैटेगरी है। यहाँ पे पिन कोड पता वगैरह डाल देना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने पहले डाला होगा तो उसी से ये डिटेक्ट कर लेगा। और फिर एग्जामिनेशन दिखाना है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम है तो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। स्टडी और पिन कोड डालना है, अगर है आप डाल सकते हैं। इसके बाद कहता है कोई डिसेबिलिटी है, अगर विकलांग है तो आप बताएंगे, अगर नहीं है तो नो नन लिखेंगे, और अगर है तो भी बताना है आपको किस धर्म का है। इस तरह से आप कुछ भी मान लेते हैं, जो भी धर्म है मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया आपने, हिंदुइज्म, मुस्लिम है तो इस्लाम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एनुअल इनकम कितना है आप बता सकते हैं, 1,20,000 रुपये या आपका जैसा हो गया। यहाँ पे आपको बताना है विलेज का नाम, तो विलेज का नाम आपने लिख दिया क्या है, नंदौड़, ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से हर जगह पे नंदौड़ा ऐसे आपने लिख दिया है। फिर स्कूल का नाम तो आपने लिख दिया GUPS नंदौड़। फिर रिकॉग्नाइज है, लोकेशन किस में है, शहर या गाँव में, तो आप लिखेंगे रूरल गाँव में, सिटी में होंगे तो अर्बन लिखेंगे, तो आपने लिख दिया रूरल, इस तरह से। और ये सारी चीज़ें भर लेने हैं, और कब एडमिशन हुआ, कब पास हुआ, इस तरह से देख लेंगे, आपके सर्टिफिकेट भी होगा बच्चे का, इसको ठीक ढंग से भर देंगे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ अच्छे से लिख देना है, आपने भरने, भरने के बाद क्या करना है, यहाँ पास देखिए, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे है बच्चे का फोटो। तो मान लेते हैं कि बच्चे के फोटो के लेकर के, जैसे कि एक फोटो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे हमने फोटो ले लिया, फिर कहता है यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर, बच्चे का सिग्नेचर, तो हमने सिग्नेचर के लेकर के यहाँ सिग्नेचर कर दिया। फिर है पेरेंट्स का सिग्नेचर, तो पेरेंट्स के सिग्नेचर को लेकर के आपको एक सिग्नेचर देना है। फिर एक है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट होता क्या है उसको देखना है, तो आइए आपको सर्टिफिकेट दिखाते हैं। देखिए इस तरह के एक सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसे, यहाँ पास स्कूल का नेम लिखना है, कहाँ पे पढ़ता है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम, पापा के नाम, मदर नेम, बच्चे का जन्मदिन, वार्ड में भी लिखना है किस कैटेगरी से है, लड़का या लड़की लिखना है, बच्चे का आधार नंबर लिख देना है इस तरह से, और मोबाइल नंबर इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट लाकर अपलोड कर देना है, जो आपको मैंने भी सर्टिफिकेट दिखाया, ओके। आपको फिर से चलिए सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको सर्टिफिकेट देखना है तो देखिए ये सर्टिफिकेट है, जो इसमें बड़ा मामूली से चीज़ बना है, बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा हो, ये सारे चीज़ डिटेल वगैरह लिखना, नाम वगैरह, बड़ा आसान सा है, आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट के बाद आपको यहाँ सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे डिटेल आपको दिखाई देगा कि आपने क्या क्या भर रखा है, वो सारे चीज़ें आपको दिखाई देगा। आपने देखा कि सही है तो आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करते आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इस तरह से आपका फॉर्म भर जाएगा। अगर आपको कोई से भी परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप स्कूल में फ़ोन कर सकते हैं। एंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिले, पहले मिल जाए। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।